आपको बताया कि कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। पहले 1 जून को चुनाव है, सातवें चरण का, अंतिम चरण का। उसके लिए प्रचार का जो शोर है वो कल थम जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में रहेंगे, तो उसके बाद सीधे वो कन्याकुमारी जाएंगे। कन्याकुमारी में वो 24 घंटे की उस साधना में भी लीन होंगे। तो प्रधानमंत्री के इस गैर चुनावी कार्यक्रम को लेकर के विरोधियों के पसीने कैसे छूट रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के प्रचार के बाद पीएम परमात्मा की साधना में लीन होने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर के ध्यान साधना में प्रधानमंत्री 30 मई से लेकर 1 जून की शाम तक तल्लीन रहने वाले हैं। जी हां, हिंदुत्व, परमात्मा और आध्यात्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना गहरा नाता है, देश ने इसका कई बार साक्षात्कार किया है। बाबा केदारनाथ के मंदिर में दिव्य दर्शन के बाद गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी साधना हो या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 9 दिनों तक चली उनकी दिव्य साधना, या फिर देश दुनिया के मंदिरों में देवी देवताओं का दर्शन पूजन की तस्वीरें हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातन, संस्कृति और परमात्मा के प्रति अनुराग की तस्वीरें वायरल होती रहती है। और अब एक बार फिर पीएम उसी अलौकिक अनुभव के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाले हैं, जहां वो 24 घंटे तक ध्यान साधना में लीन रहेंगे। खुद पीएम भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि परमात्मा ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए धरती पर भेजा है, और बेशक ये उसी का प्रमाण है कि पीएम 24 घंटे के लिए ध्यान साधना में लीन होने वाले हैं। पीएम की कन्याकुमारी दौरे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सातवें चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम खत्म होगा। उसके बाद पीएम 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर साधना करेंगे। ध्यान मंडपम में पीएम एक दिन और एक रात ध्यान लगाएंगे, 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों की तस्वीर शेयर करते हुए ये कह चुके हैं कि सनातन के प्रति सेवा भावना और परमात्मा का ध्यान लगाना ही उनकी जीवन का प्राथमिक ध्येय रहा है, लेकिन ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए बाद में वो देश सेवा के काम में लग गए। हालांकि देश सेवा को सर्वोपरि मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की सेवा में ऐसे रमे कि उन्हें खुद के लिए भी मुश्किल से ही वक्त मिल पाता है, लेकिन पीएम की दिनचर्या कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पीएम परमात्मा के ध्यान के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी जगह ध्यान लगाएंगे जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक साधना की थी। हालांकि पीएम की इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पारंपरिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े रहे पीएम इस आध्यात्मिक अनुभव के जरिए खुद में नई स्फूर्ति का संचार करना चाहते हैं। पीएम का ये दौरा इसलिए भी चर्चा में है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री अंतिम चरण के मतदान के समय केदारनाथ पहुंच गए थे और वहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। पीएम का वो दौरा उस वक्त भी काफी चर्चा में रहा था, लिहाजा ऐसे में पीएम के विरोधी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि परमात्मा की भक्त पीएम इस बार कौन सा दैवीय आदेश लेकर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।